नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नॉलेज बाज। आज के वीडियो में हम बात करेंगे बैंक प्रीलिम्स एग्जाम के लिए इंग्लिश को हम देखेंगे और इंग्लिश के कंप्लीट सिलेबस को एक ही वीडियो में हम कवर करेंगे। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आप इंग्लिश में आराम से 30 नंबर में से कम 20 प्लस नंबर गेन कर सकते हैं, इंग्लिश को आसान बना सकते हैं, ठीक है। और इंग्लिश में कैसे हम बनाएंगे, कौन सा क्वेश्चन को पहले मतलब बनाना है, ये सब भी आपको इस वीडियो में मैं बताऊंगा। तो एक एक चीज़ बताऊंगा जिससे आप अपने इंग्लिश को बेहतर बना सकते हैं प्रीलिम्स के एग्जाम के लिए। तो वीडियो को दोस्तों अंत तक देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करके चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा ताकि सभी का कुछ फ़ायदा हो सके। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अब दोस्तों हम लोग पहले टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक हमारे पास है स्पेलिंग एरर। यहाँ से 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर पूछे जाते हैं तो इनको आप सबसे पहले बनाइए क्योंकि ये 5 क्वेश्चन आप 1 मिनट में 5 नंबर गेन कर सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आसान होते हैं यहाँ पे। तो देखिएगा, एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ इंग्लिश को स्टार्ट करने से पहले, कोई भी स्टोरी जो होता है वो हमेशा पास्ट टेंस में होता है और कोई भी रियल इवेंट होता है वो हमेशा प्रेजेंट या फ्यूचर में होगा, घटना के अनुसार होगा, ठीक है। पर स्टोरी हमेशा क्या होता है, पास्ट टेंस में होता है, मतलब वॉज वेयर उसमें स्टोरी में यूज किया होगा, ठीक है ना। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा क्योंकि ग्रामेटिकल एरर आप पता कर सकते हैं कि कहाँ पे ग्रामेटिकल एरर है। तो यहाँ पे ग्रामेटिकल एरर भी हो सकता है या फिर स्पेलिंग एरर भी हो सकता है। ग्रामेटिकल एरर कहने का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए V1 लगाना था, V4 लगा दिया गया उसके जगह पे, तो इसको कहते हैं ग्रामेटिकल एरर। तो देखिएगा, पहला जो क्वेश्चन है उसमें लिखा गया राइजिंग, जो बोल्ड है ना केवल उसी को देखना है, राइजिंग सही है, प्राइस भी सही है स्पेलिंग के अनुसार। जब इम्पैक्ट को देखेंगे ना तो इम्पैक्ट गलत हो जाएगा। इम्पैक्ट का सही स्पेलिंग क्या होगा, मैं यहाँ लिखता हूँ इम्पैक्ट है, इम्पैक्ट का सही स्पेलिंग क्या होगा, टी लग जाएगा, बट यहाँ टी नहीं लगा हुआ है तो ये क्या हो जाएगा, ये सही है और वहाँ पे जो इम्पैक्ट लिखा है वो गलत है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया। चलिए आगे देखिएगा, इसमें कुछ भी ग्रामेटिकल नहीं है। मैं बता दूँ कि बैंक में जो इंग्लिश चेक करते हैं ना कि आपको इंग्लिश का कितना समझ है, ये चेक करते हैं, ये नहीं चेक करते कि आप मतलब ग्रामर कितना सही है। ग्रामर केवल 5 नंबर का ही मिलेगा, बट अगर आपका इंग्लिश से आपको समझ में आता है तो आप यहाँ पे गेन कर सकते हैं। वर्ड पावर आपका अच्छा होना चाहिए बैंकिंग के इंग्लिश के लिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, टू डील इफेक्टिवली, ये सही लिखा हुआ है, क्राइसिस भी सही लिखा हुआ है, डिसीजंस भी सही लिखा हुआ है। अब यहाँ जो लास्ट में लिखा है रिक्वायर्टेड, ये गलत है। रिक्वायर्टेड के जगह पे क्या होगा, रिक्वायर्टेड के जगह पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी देखिए, रिक्वायर्टेड के जगह पे होगा रिक्वायर्ड होगा, क्या होगा, रिक्वायर्ड होगा, रिक्वायर्ड होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये सही हो जाएगा। आगे देखिएगा, रिक्वायर्ड हो गया। उसके बाद आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया, अगले क्वेश्चन में पूछा गया द आईटी कंपनी हैज सक्सीडेड, द आईटी कंपनी हैज सक्सीडेड इन अचीविंग हिज ग्रोथ रेट डिस्पाइट फेसिंग और सेवरल। तो यहाँ देखिएगा सब सही है, कुछ भी गलत नहीं है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, मतलब ऑल आर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा सक्सीडेड भी होता है क्योंकि हैज के बाद V3 लगता है तो सही लगाया हुआ है, डिस्पाइट भी सही स्पेलिंग है, फेसिंग भी सही स्पेलिंग है और सेवरल का भी स्पेलिंग सही है, तो यहाँ पे कोई भी गलत नहीं है। ज्यादातर यहाँ स्पेलिंग एरर ही होता है ऐसे क्वेश्चन में। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4 के पास चलते हैं। यहाँ देखिएगा एवरेज भी सही है, willingly गलत लग रहा है क्योंकि willing होगा, willing का मतलब होता है तैयार, ठीक है ना। on सही है, responsibility सही है, तो यहाँ willingly जो लिखा हुआ है ना वो गलत लिखा हुआ है, उसके जगह पे क्या होगा, केवल willing होगा। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे केवल क्या होगा, willing होगा, केवल क्या होगा, willing होगा, willing का मतलब होता है तैयार, ठीक है। तो ये अब सही हो गया। उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया, ध्यान से देखिएगा, अगले क्वेश्चन में पूछा गया क्वेश्चन नंबर 5 में कि मोर देन हाफ, यहाँ देखिए मोर देन हाफ होगा, एच ए एल वी ई नहीं होगा, हाफ होगा, एच ए एल एफ होगा, मोर देन हाफ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो हाफ यूज करना है ना वो ये वाला यूज करना है, तो वहां पे यूज गलत किया हुआ है, वो भी स्पेलिंग सही है हालांकि, बट यहाँ पे ग्रामेटिकली यूज गलत किया है, ठीक है। आगे देखिएगा, ये हो गया स्पेलिंग एरर जो कि आप 5 मिनट में आराम से बना सकते हैं, ठीक है, 5 मिनट नहीं 1 मिनट में 5 क्वेश्चन बना सकते हैं, बहुत जल्दी बना सकते हैं। तो ऐसे ही क्वेश्चन को आपको चुन के बनाना। अब दोस्तों हम अगले टॉपिक को देखते हैं। अगला टॉपिक है पैराजम्बल, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, बट मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा कि पैराजम्बल को पहले आप बनाइए, इनको आप लास्ट में बना सकते हैं, ये 5 नंबर आपको फिक्स देते हैं, बट यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लग सकता है, 4 से 5 मिनट का समय लग सकता है। अगर आपको समझ में इंग्लिश अच्छा है तो जल्दी भी बना सकते हैं, बट 4 से 5 मिनट फिर भी लग ही जाता है, ठीक है ना।
यहाँ देखिएगा, क्योंकि हर एक सेंटेंस को आपको देखना होता है। तो यहाँ पे देखिएगा, मैंने सबसे पहले नंबर लिख दिया, छह सेंटेंस है तो छह नंबर दे दिया एफ तक है। अब इसमें देखना है कि पहला नंबर किसका आएगा, तो पहला नंबर किसका आ जाएगा, देखिएगा फर्स्ट सेंटेंस पूछा होगा, सेकेंड सेंटेंस पूछा होगा, तो ऐसे। तो सबसे पहले इनको अरेंज करना होगा। तो आप सेंटेंस को ध्यान देखिए, कोई भी सेंटेंस हमेशा नाउन से स्टार्ट होता है, प्रोनाउन से स्टार्ट नहीं होता। तो द मैन हु बाउट मतलब कौन आदमी, हु आ गया मतलब ये किसी के बारे में कहा जा रहा है, तो ये पहला सेंटेंस नहीं होगा। ये वाला जो है ना वो पहला सेंटेंस है, नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए बी को, एंड ही, एंड से तो कोई भी सेंटेंस स्टार्ट हो ही नहीं सकता है, तो बी भी जो होगा ना वो पहला सेंटेंस नहीं होगा। उसके बाद यहाँ देखिए लुक्स भी नहीं होगा, कि डायरेक्ट किसको देखेगा, तो ये भी गलत हो जाएगा। उसके बाद डी ऑप्शन ये हो सकता है, क्योंकि एक नाम है, ठीक है ना, नसरुद्दीन कुडूजा टुक हिज डंकी, ये पहला सेंटेंस हो सकता है, हो सकता है। तो इसको हम डी मानते हैं कि पहला सेंटेंस है हम लोग का डी। उसके बाद आगे जाते हैं, अनदर तो होगा नहीं, ई भी नहीं होगा। हुडुजा हु मतलब यहाँ पे हुडुजा हु मतलब यहाँ पे हु आ गया, तो ये भी पहला सेंटेंस नहीं होगा। तो हम लोग का पहला सेंटेंस क्या मिल गया, हम लोग को डी मिल गया, कंफर्म मिल गया हम लोग को कि डी जो होगा वो पहला सेंटेंस होगा, कि जो नसरुद्दीन हुडुजा टुक हिज मंकी टू मार्केट प्लेस एंड सोल्ड इट फॉर 30 दिनार, मतलब मार्केट प्लेस में ले जाता है और 30 दिनार में बेच देता है अपने मंकी नहीं डोंकी लिखा हुआ है यहाँ पे गधे को, ठीक है। उसके बाद देखिएगा, उसके बाद क्या होता है कि द मैन हु बाउट इट इमीडिएटली पुट इट अप फॉर ऑक्शन, मतलब उसको क्या करता है ना, उसको तुरंत खरीदता है और ऑक्शन में नीलामी में रख देता है, ठीक है। तो ये भी सेंटेंस सही हो सकता है। उसके बाद आपको जोड़ना होता है, तो ई जो होगा ना मार्केट में ले गया, और उसके बाद गधे का क्या होने लगा, नीलामी होने लगा, तो यहाँ तक भी सही है। उसके बाद बी के पास जाए तो एंड हो गया, ऑक्शन के बाद एंड सूट नहीं कर रहा है, एंड ही वेंट ऑन टू द लिस्ट द मेनी क्वालिटीज ऑफ एनिमल, ये मुझे अच्छा लग रहा है, ठीक है। दूसरा सेंटेंस से ये बी वाला जो होगा ना, बी तीसरा नहीं होगा, बी क्या होगा, तीसरा नहीं होगा। सी के पास जाते हैं, लुक एट द फाइन एनिमल, मतलब जो गधा था ना वो फाइन एनिमल देखने में लग रहा था। उसके बाद ही शाउटेड पासर बाई Have you ever seen a better specimen of a donkey? See how clean and strong it. मतलब डंकी के बारे में बोला जा रहा है, जब उसको नीलामी में रखा गया तो उसके बारे में पूछा जा रहा है, तो यही होगा। मतलब सी जो हो जाएगा ना वो तीसरा सेंटेंस हो जाएगा, सी जो हो जाएगा वो तीसरा सेंटेंस हो जाएगा। उसके बाद देखिए तीसरा सेंटेंस मिल गया, अब चौथा सेंटेंस देखना है। तो हम ए तो नहीं देख सकते, अब ए के पास नहीं जा सकते क्योंकि ए पहले से हो गया, डी भी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा। मतलब आपके पास तीन ऑप्शन है, तीन ऑप्शन कौन कौन सा बचा, एक बचा ई, एक बचा एफ है, और एक बचा शायद ए, नहीं ए हो गया, एक बचा बी, ठीक है। तो पहले बी के पास जाते हैं, बी के पास जाएंगे तो एंड ही वेंट ऑन टू द लिस्ट ऑफ क्वालिटी, मतलब देखा कि जो उसका जो डोंकी है ना वो क्या है, बहुत ज़्यादा क्लीन है, साफ है, स्ट्रांग है, तो उसके बाद क्वालिटी चेक करेगा, लिस्ट जाके देखेगा। तो ऑप्शन ये जो बी हो जाएगा ना ये सही हो जाएगा, बी होगा चौथा सेंटेंस। आगे देखिएगा पांचवा में, अब क्या हो सकता है, पांचवा में या तो ई होगा नहीं तो एफ होगा, तो ई और एफ के पास यही है। तो पांचवा में यहाँ देखिए अंतिम लाइन क्या लिखा हुआ है, सी का नहीं बी का अंतिम लाइन, मैन सेड ही वुड गिव 40 दिनार फॉर इट, मतलब किसी आदमी ने बोला कि उसके लिए 40 दिनार दिया जा सकता है, अनदर मैन दूसरा आदमी बोलता है 50 से, तो यही होगा, मतलब ई जो होगा वो पांचवा होगा। सेंटेंस को मिलाते जाइए सीक्वेंस में, अपने आप आपको आंसर मिलते जाएगा और छठा सेंटेंस आपका हो जाएगा एफ। तो देख सकते हैं आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है, बट हम लोग आसानी से बना सकते हैं। तो एक ये भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, पैरा जंबल, ठीक है, आगे दिखेगा अगला क्वेश्चन, बट मैं बोलूंगा कि पैरा जंबल को पहले नहीं बनाना है। अब दोस्तों हम अगले टॉपिक को देखते हैं, ये भी पैरा जंबल के ही जैसा है, बट इसमें आपको पांच अलग अलग सेंटेंस दिए होंगे जिनको आपको क्या करना है, अरेंज करना है। तो पैरा जंबल के जगह पे आजकल इस टॉपिक को पूछा जाता है, सेंटेंस रीअरेंजमेंट को पूछा जाता है, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज के बैंकिंग के प्रीलिम्स के एग्जाम के लिए, ठीक है। तो देखिएगा इसमें क्या दिया हुआ है, पांच सेंटेंस दिया है जिनको अरेंज करना है। तो सबसे पहले ऑप्शन पे ध्यान दीजिएगा, पहले ऑप्शन में डी दिया हुआ है पहला सेंटेंस, बी में भी डी दिया हुआ है, सी में भी डी दिया हुआ है, और डी में भी डी दिया हुआ है। मतलब पहला सेंटेंस हम लोग को मिल जाएगा मेनी पीपल, ये पहला सेंटेंस हो गया। आप देखिएगा डीसी डीसी डीए और डीसी, तो यहाँ पे डीसी जो होगा वो सही होना चाहिए, मतलब ए के पास अभी नहीं जाएगा, हम सी को मान के चलेंगे कि दूसरा सेंटेंस है। तो सी क्या लिखा हुआ है, हु हियर टाउन मेनी पीपल
हु हियर टाउन मतलब पीपल के लिए हु आ गया, तो हु किसी के लिए आता है? जीवित प्राणी। विच आता है निर्जीवित प्राणी के लिए, तो हु आ रहा है पीपल के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे सही लिखा हुआ है, तो डी और सी होगा। अब डी बी होगा, डी सी बी होगा, या डी सी ई होगा, या डी सी ए होगा। तो यहाँ पे देखिए, अब बी बी ई और ए में कंपटीशन है, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे सबसे पहले ए के पास जाते हैं। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा, ए के पास जब हम लोग जाएंगे तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ए में लिखा हुआ है स्पीकिंग फ्रेंच। तो आप देखिएगा डी सी सी में क्या लिखा हुआ है, हु हियर टॉम स्पीकिंग फ्रेंच, मतलब टॉम जो है ना कोई आदमी बोलेगा, फ्रेंच बोलेगा। तो मुझे जहां तक लगता है यहाँ पे क्या होगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ डी सी ए होगा, क्योंकि टॉम फ्रेंच बोलता है। आगे देखिएगा, डी सी ए मतलब हम लोग का आंसर मिल गया फ्रेंच। थिंक ही इज ए नेटिव स्पीकर, मतलब बचपन से ही वो क्या करता होगा, फ्रेंच बोलता होगा। तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करके आप पता कर सकते हैं कि सही पैटर्न सेंटेंस है का पैटर्न क्या होगा, ठीक है, रीअरेंज कर सकते हैं सेंटेंस को। आगे अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसी प्रकार का क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, ऑप्शन को पहले देखिए उसके बाद क्वेश्चन को बनाना स्टार्ट कीजिए। तो ऑप्शन नंबर सी और डी को ध्यान से देखिए, ऑप्शन नंबर सी और डी को जब ध्यान से देखेंगे यहाँ पे, तो उसमें क्या दिखेगा कि सी ए लिखा हुआ है, सी बी लिखा हुआ है, मतलब इन्हीं दोनों ऑप्शन में आपको खोजना है कि सही आंसर क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ देखिएगा सी ए, सी पहला सेंटेंस होगा, तो देखते हैं, हो सकता है सम पीपल से सही है, कुछ आदमी कुछ लोग कहते हैं, तो सी मान लीजिए पहला सेंटेंस मान लिए हम लोग। अब ए और बी में कंपटीशन है, तो ए सम पीपल से डैट बोलते हैं कि, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी और सी ए हो जाएगा, तो सही आंसर हो जाएगा सी ए बी सी ए सी ए बी ई डी, ठीक है, यही हो जाएगा। ज्यादा टाइम आप इसमें नहीं लगाना, आपको मिल गया कुछ आदमी बोलते हैं कि, तो ये सही है, ठीक है। ज्यादा आपको नहीं सोचना, जरूरी नहीं है कि आपको इंग्लिश आएगा तभी आप इस क्वेश्चन को बना सकते हैं, कॉमन सेंस से भी इन सभी क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। आप देखिए बी ए, अगला क्वेश्चन देखिएगा, बी ए बी ए बी ए, तीन ऑप्शन में क्या दिया हुआ, बी ए दिया हुआ है, मतलब हम लोग का जो पहला दो सेंटेंस होगा ना अगले क्वेश्चन में बी ए होना चाहिए। तो बी देखिए, तो जैक कुड नॉट गो टू बॉस्टन, ये तो सही लग रहा है। उसके बाद बी ए सी, इनफ इनफ नहीं आ सकता है, बॉस्टन के बाद इनफ नहीं आएगा। ई आ सकता है, ही डिड नॉट, अभी नहीं आएगा, बॉस्टन तो अभी पहुंचा है वो। फिर बी ए डी, अच्छा बॉस्टन विथ अस बिकॉज, मतलब उसके साथ पहुंचा है, तो ये हो जाएगा बी ए डी हो जाएगा। तो बी ए डी से हम लोग को पता चल गया कि बी ए डी से ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी ए डी से ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो ऐसे पता कर सकते हैं कि कौन सा आंसर सही होगा, हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन, सीन हैड, देखिएगा अगला क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, ए डी ए बी ए डी। अब ए डी जो बी और डी ऑप्शन है ना वो एक जैसे है, तो हम इन दोनों में ही फाइट करेंगे, इन दोनों में ही सबसे पहले चेक करेंगे जो ऑप्शन एक जैसे होते हैं। तो ए डी हो जाएगा पहला दो सेंटेंस। अब ए डी मिल गया, सीन हैड टू हैव हिज स्टोमच एडी, ठीक है, स्टोव मचे। उसके बाद हम बी के पास जाते हैं, पम्प्ड बिकॉज, ये सही लग रहा है, तो ए डी बी हम लोग को सही लग रहा है, तो ए डी बी के पास जाके हम लोग रुक जाएंगे। एक बार हम लोग ए डी ई को भी चेक करते हैं, तो इटेन नहीं होगा, स्टोमच के बाद इटेन नहीं होगा, पंप होगा, ज्यादा बेटर लगता है, तो वही हम लोग का सही आंसर होगा ए डी बी, ठीक है। तो देख सकते हैं कि ज्यादा कुछ नहीं कर रहे हैं, ऑप्शन से हम लोग छाट कर आंसर निकाल पा रहे हैं। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, तो क्वेश्चन भी बनाने से पहले आपको ऑप्शन को देखना है। तो देखिएगा तीन ऑप्शन में ई बी ई ए और ई ए दिया हुआ, तो ई ए में फाइट होगा। तो ई ए में देखिए, ई के क्या लिखा हुआ है, एवरी स्टूडेंट हु, ए क्या लिखा हुआ है, ए ग्रेजुएटेड, सही है, स्टूडेंट ही ग्रेजुएट करेंगे, तो ई ए हो जाएगा। अब देखिएगा ई ए कहीं और लिखा हुआ है क्या, ई ए दो जगह लिखा हुआ है, तो सी और डी में आप फाइट होगा, तो सी और डी ग्रेजुएटेड, एवरी स्टूडेंट हु हैज ग्रेजुएटेड फ्रॉम आवर यूनिवर्सिटी होगा, मतलब यहाँ पे सी होगा, ई ए सी। अब ई ए सी कौन सा ऑप्शन में है, ई ए सी देखिएगा,
ऑप्शन नंबर सी में है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है देखिएगा, पहले ऑप्शन, क्वेश्चन कुछ भी होगा ऑप्शन आपको देखना है। तो ए ई बी डी बी सी ए सी, ठीक है। तो यहाँ ए तो पहला सेंटेंस हम लोग को लगता है, डी और ए में से कोई होगा पहला सेंटेंस। तो मुझे जहां तक लगता है कि डी पहला सेंटेंस होगा, क्योंकि अबाउट से स्टार्ट नहीं होगा, अबाउट लगभग कैसे ही प्रोनाउन आ गया, तो प्रोनाउन से कभी भी कोई सेंटेंस स्टार्ट नहीं होता है। तो डी बी होगा, नहीं तो डी सी होगा, बी या सी। तो देखते हैं बी होगा या सी होगा। तो डी देखिए माइकल रिमेंबर्स, माइकल को याद है। बी देखिए तो टेलिंग मैरी टू मैरी दी स्टोरी। तो बी सी देखते हैं बिंग इटन बाई, ये नहीं होगा सी मुझे नहीं लगता है। मुझे जहां तक लगता है कि डी बी हो जाएगा। तो डी और बी आपका सही आंसर हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। तो देख सकते हैं यहाँ से भी हम 2 से 3 मिनट में नंबर गेन कर सकते हैं, आसानी से गेन कर सकते हैं, और आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी आसान आएंगे, ठीक है। जब वे आप लोग क्वेश्चन बनाते हैं तो आप लोग केवल टाइम नहीं देखिएगा, अगर टाइम देखते हैं तो गलत करते हैं, मतलब आप मतलब नर्वस हो जाएंगे। टाइम देखिएगा तो आप सोचेंगे कि जल्दी जल्दी बनाए, उसमें गलती ज़्यादा कीजिएगा। अब दोस्तों हम लोग अगले टॉपिक को देखते हैं, फ्रेज रिप्लेसमेंट। ये टॉपिक दोस्तों एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये टॉपिक हर एक एग्जाम में पिछले 3-4 साल से क्वेश्चन पूछा जा रहा है इस टॉपिक से, और ये क्वेश्चन इस टॉपिक से क्वेश्चन आप काफी आसान तरीके से बना सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन को देखिएगा। डिस्पाइट ऑफ गवर्नमेंट प्रोटेक्टिंग, डिस्पाइट ऑफ गवर्नमेंट प्रोटेक्टिंग, अब इस फ्रेज से जो बोल्ड है ना उसको आपको रिप्लेस करना है। तो यहाँ देखिएगा सही आंसर आप लोगों को होगा, गवर्नमेंट कभी भी प्रोटेक्टिंग नहीं करेगा, गवर्नमेंट कभी भी प्रोटेक्शन देगा, खुद गवर्नमेंट प्रोटेक्ट नहीं करेगा। तो यहाँ होगा होना चाहिए प्रोटेक्टिंग के जगह पे प्रोटेक्शन होना चाहिए, मतलब ग्रामेटिकल एरर है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिस्पाइट द गवर्नमेंट प्रोटेक्शन हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर सी लिखा हुआ है ना, डिस्पाइट द गवर्नमेंट, डिस्पाइट ऑफ नहीं होगा यहाँ पे, ऑफ एक गलत लिखा हुआ है, एक ऑफ गलत लिखा हुआ है, एक आईएनजी गलत लगाया हुआ है, ठीक है। तो 2 गलती यहाँ पे मिल गया, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा पहला क्वेश्चन। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया, अगले क्वेश्चन में पूछा गया आपसे कि दे फियर्ड टू स्पेयर हिम लेस्ट ही वुड रिपोर्ट। अब यहाँ पे क्या गलत है देखिएगा, यहाँ पे उड नहीं होगा, उसको रिपोर्ट करना चाहिए, तो चाहिए मतलब सूट होता है, चाहिए मतलब क्या होता है सूट होता है, और सूट के बाद हमेशा क्या लगता है V1 लगता है, ये याद रखिएगा। उड या हो या सूट हो हमेशा क्या लगेगा V1 लगेगा, तो रिपोर्ट क्या होता है V1 होता है। चलिए तो ये भी क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया कि कहाँ पे गलत है और कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में देखिए सूट लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में क्या लिखा हुआ है सूट लिखा हुआ है, ठीक है। तो सेंटेंस को आपको समझना होगा यहाँ पे कि मीनिंग क्या निकलता है। उसके बाद देखिएगा अगले सेंटेंस में जहाँ बोल्ड है केवल उसी को देखिए, देन ही फ्लू इनटू ए रेज। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या गलत है, यहाँ पे देन नहीं होगा, देन नहीं होगा, यहाँ पे कलेक्ट लेटर ही फ्लू इनटू इनटू ही फ्लू इनटू ए रेज। तो यहाँ पे जो देन है ना वो गलत है, यहाँ पे क्या है देन जो लिखा हुआ है वो गलत लिखा हुआ है, ठीक है, ये देन नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। आगे देखिएगा, आगे दोस्तों देखते हैं आगे हम लोग, ठीक है, अगले क्वेश्चन को। ये देन का मतलब क्या होता है, कंपेयर होता है, इस देन का कंपेयर मतलब होता है, THEN होता तो सोच सकते थे, बट इस देन का मतलब क्या होता है कंपेयर होता है, ठीक है। एक बार मैं देख लेता हूँ मैं सही हूँ ना, हाँ THEN लिखा हुआ है, तो इस देन का मतलब क्या होता है कंपेयर होता है, तो कंपेयर यहाँ नहीं कर रहे इसलिए ये गलत हो जाएगा। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, द यहाँ देखिएगा केवल बोल्ड वाले को देखिएगा, विच रन हर ओवर वाइल सी वॉच, विच रन, विच रन कार है तो निर्जीव प्राणी है कार, तो यहाँ पे कार सेम कार रन हर ओवर, यहाँ पे विच नहीं होगा, विच गलत है, यहाँ पे विच के जगह पे क्या होना चाहिए डेट होना चाहिए, मतलब पहला ऑप्शन होना चाहिए, यहाँ पे पहला ऑप्शन होना चाहिए, यहाँ विच नहीं होगा, ठीक है ना। डेट रन मतलब कार रन करता है ना, जो कार रन करता है, डेट रन हर ओवर वाइल सी वॉज रिटर्निंग फ्रॉम द स्कूल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए डेट होना चाहिए, विच नहीं होगा। ऐसे मैं बता दूं निर्जीव प्राणी के लिए विच आता है तो बच्चे क्या करेंगे गलती कर देंगे, यहाँ पे सोचेंगे विच है, पॉइंट नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। चलिए आगे देखिएगा,
आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन, इफ यू विल सेट योर माइंड, इफ यू विल सेट योर माइंड, यहां पे क्या हो जाएगा, यू विल नहीं होगा, सेट योर माइंड होगा। इफ यू सेट योर माइंड मतलब ये सच बात है, जो सच बात होता है ना वो फ्यूचर में नहीं जाएगा, पास्ट प्रेजेंट में रहता है। यहाँ पे जो विल है ना, विल सेंटेंस को फ्यूचर में बना देगा, इसलिए ये क्या हो जाएगा, विल के कारण गलत हो जाएगा। मतलब आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, इन सबको हटाता हूं मैं, यहाँ पे विल गलत है, विल गलत है, विल नहीं होगा, बाकी सही है। यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, सेट योर माइंड, सेट योर माइंड होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको नॉलेज होना चाहिए। चलिए आगे देखिएगा, ये मैंने बता दिया, ये क्वेश्चन दोस्तों आसान होता है, प्रैक्टिस कीजिएगा तो आसानी से बना लेंगे यहाँ पे। अब दोस्तों देखिए कॉमन एरर का क्वेश्चन आ गया, कॉमन एरर के लिए ग्रामर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो पहले हम ग्रामर समझ लेते हैं फिर इसके हम क्वेश्चन को देखेंगे। तो चलिए देख लेते हैं ग्रामर को। सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं आर्टिकल के बारे में, तो आर्टिकल का यूज हमेशा नाउन के पहले करते हैं, और नाउन कैसा होना चाहिए, काउंटेबल, यानी आर्टिकल प्लस में काउंटेबल नाउन। अगर नाउन काउंटेबल नहीं है तो आप आर्टिकल का यूज नहीं कर सकते हैं, तो ये बात को आपको ध्यान रखना है। और आर्टिकल होता क्या है, ए एंड द को हम आर्टिकल बोलते हैं। तो आपको पता होगा कि ए और एन का यूज कब करते हैं, जब वोवेल होगा, उच्चारण भी वोवेल का होता है तो एन का यूज करते हैं, और काउंटेबल नाउन होगा तो क्या करेंगे, ए का यूज करेंगे। तो ये बात को आपको ध्यान रखना है। उसके बाद द का यूज कब करते हैं, जब हम किसी चीज को पॉइंट करते हैं, जब हम किसी चीज को जब पॉइंट करेंगे ना, तो उसके पहले हम द का यूज करेंगे। जैसे द ताजमहल, वहां हमने क्या किया, द ताजमहल को पॉइंट किया। उसके बाद एक और एग्जाम्पल देखिए कि आई नो हाउ टू प्ले हारमोनियम, यानी यहाँ पे द हारमोनियम होगा, क्योंकि आप किसके बारे में बता रहे हैं, किसको पॉइंट कर रहे हैं, हारमोनियम को पॉइंट कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे द लग जाएगा हारमोनियम से पहले, क्योंकि आप हारमोनियम वैसा इंस्ट्रूमेंट है जिसको आप प्ले कर रहे हैं, तो इंस्ट्रूमेंट को यहाँ पे पॉइंट कर रहे हैं। उसके बाद देखिए मैंने एग्जाम्पल दिया द रेड फोर्ट, कैसा फोर्ट है, रेड फोर्ट है, तो यहाँ पे हमने इसको पॉइंट किया, इसलिए हमने पहले क्या लगा लिया, द लगा लिया, और रेड फोर्ट क्या है, नाउन है, ठीक है, काउंटेबल नाउन है, और पॉइंट भी किया हमने इसको। उसके बाद आप देखिए द सुपर, द प्लस में सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री के पहले हम द का यूज करते हैं। जैसे देखिए एग्जाम्पल में द बेस्ट स्टूडेंट, तो द बेस्ट क्या हो गया, बेस्ट क्या हो गया, सुपरलेटिव डिग्री हो गया, स्टूडेंट कैसा है, सबसे अच्छा है, तो इसलिए हमने क्या लगा लिया, द लगा लिया। यहाँ भी देखिए हमने क्या किया, पॉइंट किया स्टूडेंट को, जो अच्छा उसी को पॉइंट किया, इसलिए हमने द लगाया। उसके बाद का देखिए पॉइंट क्या है, कि आर्टिकल का यूज आप कहाँ नहीं कर सकते हैं, तो मैंने बताया था कि आर्टिकल का यूज अनकाउंटेबल नाउन के पहले आप नहीं कर सकते। अब अनकाउंटेबल नाउन का एग्जाम्पल क्या हो गया, जैसे मिल्क हो गया, शुगर हो गया, ये कैसा नाउन हो गया, अनकाउंटेबल नाउन हो गया, इनके पहले आप आर्टिकल का यूज कभी नहीं कर सकते। अब दोस्तों हम वर्ब के यूजेस को समझते हैं कि कौन सा वर्ब को हम कैसे यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं V1 के बारे में, तो V1 के लिए पहला केस को देखते हैं। तो पहला केस है कि सब्जेक्ट के बाद या तो आप V1, या तो V2, या तो V5, इन तीनों में से किसी एक का यूज कर सकते हैं। और कैसे, सब्जेक्ट के तुरंत बाद, अगर सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में कोई हेल्पिंग वर्ब है, इज, एम, आर, वॉज, वेयर, कुछ भी है, तो आप वहां पे V1 नहीं लगा सकते। जब भी आप यूज करेंगे तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद, जैसे सी गोज, सी सब्जेक्ट हो गया, गोज क्या हो गया, V5 हो गया, तो यहाँ पे जैसे आई गो आप बोलेंगे ना, तो आई क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, गो क्या हो गया, V1 हो गया। तो आपको ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट के तुरंत बाद आपको क्या लगाना है, V1। उसके बाद हम बात करते हैं अगले कंडीशन के बारे में, तो अगला कंडीशन है 2 + V1। जब भी आप 2 देखे और उसके बाद कोई वर्ब है, तो वो वर्ब का पहला रूप ही होना चाहिए, ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, तो इस पे क्वेश्चन आ सकता है, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो आपको 2 के बाद हमेशा क्या लगाना है, V1 लगाना है। जैसे टू मेक, एक एग्जाम्पल क्या हो गया, टू मेक, 2 के बाद क्या लगा, मेक लगा, मेक क्या है, वर्ब का पहला रूप है, तो आपको याद रखना है कि 2 के बाद V1 होगा। उसके बाद मॉडल वर्ब के बाद भी हमेशा क्या लगता है, V1 लगता है, जस्ट मॉडल वर्ब के बाद, यानी तुरंत बाद V1 आप लगाना है आपको मॉडल वर्ब के बाद। तो मॉडल वर्ब होते क्या है, मस्ट, शैल, विल, शुड, वुड, कैन, कुड, मे एंड माइट। जैसे आप बोलते हैं ना कैन गो, तो यहां क्या हो गया, कैन लगा, उसके बाद आपने क्या लिखा, गो लिखा। जैसे आप बोलते हैं कुड बी, तो कुड क्या हो गया, मॉडल वर्ब हो गया ना, उसके बाद बी, कुड बी, बी क्या हो गया, V1 हो गया, वर्ब का पहला रूप हो गया।
अब दोस्तों हम देखते हैं कि B2 का यूज हम कब कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं। तो आपको मैंने बताया था कि सब्जेक्ट के तुरंत बाद V2 का यहाँ पे यूज कर सकते हैं। कब है? जब सेंटेंस आपका पास्ट टेंस में होगा तभी। जैसे सी वेंट हो गया, आई वेंट हो गया, तो सी क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद वेंट लगाना तो वेंट क्या हो गया? V2 हो गया। ये क्या दिखाया कि सेंटेंस क्या पास्ट में है। पास्ट में होगा तभी आप सब्जेक्ट के तुरंत बाद V2 का यूज कर सकते हैं। उसके बाद V3 का यूज को समझते हैं। तो V3 का यूज आप कब कर सकते हैं? हैड के तुरंत बाद आप V3 का यूज कर सकते हैं। उसके बाद 22 से पहले हमेशा जब भी कोई वर्ब आता है ना, तो वो वर्ब का तीसरा रूप होता है, यानी V3 प्लस में 22। ये आपको याद रखना है। और एक और पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि अगर सेंटेंस पैसिव पैसिव वॉइस में होगा तब आप V3 का यूज कर सकते हैं। पैसिव सेंटेंस में V3 का आप यूज कर सकते हैं। अब दोस्तों आगे हम देखते हैं कि V4 का यूज हम कैसे कर सकते हैं। तो प्रीपोजिशन के बाद आप हमेशा V4 का यूज कर सकते हैं। अब प्रीपोजिशन क्या होता है? एट होता है, ऑन होता है, ओवर होता है, तो काफी प्रीपोजिशन है। और प्रीपोजिशन के बाद क्या आएगा? V4 आएगा। तो ये पहला पॉइंट था। उसके बाद आपको जो याद रखना है, ये काफी कॉमन पॉइंट है कि इज एम आर वाज वेयर के बाद हमेशा V4 लगता ही लगता है। अगर आप बोलेंगे पैसिव सेंटेंस में, तो वॉज के बाद क्या लगता है? बिंग लगता है। इज के बाद क्या लगता है? बिंग लगता है। तो वहां बिंग जो है ना, V4 है। तो आपको याद रखना है कि इज एम आर वॉज वेयर के बाद हमेशा V4 ही लगाना है। उसके बाद अगर सेंटेंस कंटिन्यूअस होगा तो उसमें भी आप V4 का यूज कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद V5 के बारे में समझते हैं। तो V5 का यूज कब करना है? जब सेंटेंस शुरू हो इज ही सी इट या किसी नाम के साथ। अगर ही सी इट या कोई नाम है उसके तुरंत बाद V5 का यूज करते हैं। ये आपको याद रखना है। जैसे सी गोज, तो सी क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। सी के बाद क्या लगा? V5 लगा। गोज क्या हो गया? V5 हो गया। अब दोस्तों हम कुछ टेंस के बारे में जान लेते हैं। तो आपको एक बात जानना है कि पास्ट, अगर कोई सेंटेंस पास्ट टेंस से स्टार्ट होता है तो उसके बाद वाला सेंटेंस हमेशा पास्ट टेंस में ही होता है। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद अगर कोई सेंटेंस प्रेजेंट या फ्यूचर से स्टार्ट होता है तो उसके बाद आप कोई भी टेंस का यूज कर सकते हैं। जैसा घटना होगा वैसा टेंस का आप यूज कर सकते हैं। और तीसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, अगर कोई स्टोरी अनरियल है, यानी जो स्टोरी है ना काल्पनिक है, तो काल्पनिक स्टोरी जो होता है हमेशा पास्ट टेंस में ही लिखा जाता है। और एक और बात है, जैसे कालिदास महान कवि थे, तो ये गलत हो जाएगा। कालिदास महान कवि है, ठीक है, वो अभी भी है। कालिदास महान कवि अभी भी है, तो यहाँ पे प्रेजेंट टेंस में आप बोलेंगे इसे सेंटेंस को। उसके बाद आगे हम समझते हैं यूजेज ऑफ सिंस और फोर। सिंस और फोर का यूज हम कैसे करते हैं? अगर टाइम स्पेसिफिक होगा तो सिंस का यूज कीजिएगा। जैसे जैसे देखिएगा, मार्च 31, 31 मार्च या 9:19 AM, ठीक है, इसमें आप सिंस का यूज कीजिएगा इससे पहले। उसके बाद अगर ए लेंथ ऑफ टाइम के बारे में हम बात करते हैं ना, जैसे 1 दिन, 3 आवर, 5 घंटे, 5 ईयर, ये इन सब केस में किसका यूज करेंगे? हम फोर का यूज करेंगे। अब दोस्तों हम बात करते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में जो एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो पहला पॉइंट है कि एंड के पहले और बाद सेम वर्ब का यूज होता है। यदि एंड के पहले V1 है तो उसके बाद भी क्या होगा? V1 ही होगा। एंड के पहले अगर V2 है ना, तो उसके बाद भी क्या होगा? V2 होगा। तो जैसा वर्ब एंड के पहले है ना, सेम वर्ब एंड के बाद होना चाहिए, तभी वो सेंटेंस सही होगा। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। ये भी एक नंबर का एग्जाम में पूछा जाता है, इससे भी कॉमन एरर के क्वेश्चन आते हैं, बनते हैं। उसके बाद कंपेरेटिव डिग्री के बाद हमेशा देन का यूज होता है। तो जैसे आप एग्जाम्पल के लिए देख लीजिए, बेटर देन, यहाँ बेटर क्या है? कॉम्परेटिव डिग्री है, यानी कंपेयर कर रहे हैं ना किसी से, बेटर है वो, तुलना करेंगे तो देन का आप यूज कीजिएगा। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये सब कुछ पॉइंट थे जो कि कॉमन एरर बनाने में आपको मदद करेंगे। अब दोस्तों आपने ग्रामर का देख लिया होगा, जो रूल रेगुलेशन है वो आपने देख लिया होगा। तो अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि पहला सेंटेंस क्या लिखा हुआ है। सपोज इफ यू, तो सपोज इफ यू यहाँ एक साथ लिखा हुआ है, मतलब सपोज और इफ एक साथ नहीं होगा। तो पहला जो क्वेश्चन है उसमें सपोज आपका गलत होगा। सपोज का मतलब भी होता मानना और इफ का मतलब भी होता अगर, तो एक साथ दोनों कभी भी नहीं हो सकते, तो ये गलत हो जाएगा। ये आपको कॉमन सेंस है, ये आपको समझना होगा।
अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया, अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ही वंडर डैट, डैट जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, मतलब क्वेश्चन मार्क वाला सेंटेंस होता है, सेंटेंस होता है, तो वहां डैट नहीं लगता है, तो व्हाट से पहले कभी भी डैट लगा होगा ना, तो हमेशा उसको गलत कीजिएगा, ठीक है, व्हाट से पहले डैट नहीं लग सकता है। और कॉमन एरर को सही करने का एकमात्र तरीका है कि ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए, तभी ये सही होगा, जितना ज्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ज्यादा सही होगा। एग्जाम आपका आज है तो 100 क्वेश्चन इस पे बना के जाइए, तो आप देखिएगा एग्जाम में प्रीवियस ईयर के 100 क्वेश्चन बना के जाइए तो गलत नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, डैट नहीं होगा, क्योंकि वर्ड के पहले हु के पहले डैट नहीं लगता है, डब्ल्यू एच के पहले डैट का प्रयोग गलत हो जाएगा। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया, ध्यान से देखिएगा, अगले क्वेश्चन में पूछा गया, द नेशन शुड बी ग्रेटफुल टू द आर्मी। तो यहाँ पे देखिएगा गलत कहाँ पे है, आर्म में फोर्स है, फॉर प्रोटेक्टिंग इट। अब यहाँ पे क्या गलत है, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे तो यहाँ पे मुझे लगता है द नेशन शुड, ठीक है, हमारे राष्ट्र को, मतलब ये सही है कि आर्म फोर्स द्वारा प्रोटेक्ट किया जाता है, तो ये मुझे पूरा का पूरा सेंटेंस सही लगता है, कहीं भी ग्रामेटिकल एरर नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, नो एरर। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, एक सेंटेंस ऐसा दिया जाएगा जहाँ पे कोई भी गलती नहीं होगा, तो उसको ध्यान से देखना है। अगला सेंटेंस दिया हुआ है, फॉर सो मेनी ईयर इट इज ऑलमोस्ट हिज हैबिट टू गो द बेड, नहीं होगा, बेड को पॉइंट नहीं कर रहे हैं, बेड बहुत होते हैं, बेड का कोई नाम नहीं है, अगर बेड का कोई नाम होता जैसे मयूर सिंहासन बोला जाता है शाहजहां का, तो उसमें द लगा सकते हैं, बट यहाँ पे द बेड हम लोग लिखेंगे तो ये गलत हो जाएगा, तो द बेड यहाँ पे नहीं होगा, द बेड यहाँ पे नहीं होगा, ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखिएगा, द बेड नहीं होगा, आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन, यहाँ क्या लिखा हुआ है, टू द मैन, टू द मैन, एम ई एन, टू द मैन हु वर्क सो हार्ड। देखिए यहाँ पे द लगाना सही इसलिए है क्योंकि उस आदमी के बारे में, उस आदमी को पॉइंट किया जा रहा है। इन द प्रोजेक्ट द न्यूज वॉज प्रोफाउंड, यहाँ पे प्रोफाउंडली होगा क्योंकि यहाँ एडजेक्टिव होगा, गंभीरता होता है, प्रोफाउंडली मतलब क्या होता है, गंभीरता होता है, ठीक है, तो यहाँ पे प्रोफाउंडली होगा, तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी प्रोफाउंडली होना चाहिए, ठीक है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे प्रोफाउंडली, ठीक है, प्रोफाउंडली होगा, विशेषता बताया जा रहा है यहाँ पे, तो प्रोफाउंडली होना चाहिए। चलिए तो कॉमन एरर हमने देख लिया, अब दोस्तों हम लोग अगले टॉपिक को देखते हैं, अगले टॉपिक में आप देखिएगा कि क्लोज टेस्ट से क्वेश्चन है, क्लोज टेस्ट दोस्तों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है बैंक के प्रीलिम्स के एग्जाम के लिए, यहाँ से 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या तो ये क्वेश्चन स्टोरी बेस्ड हो सकते हैं या फिर आर्टिकल बेस्ड हो सकते हैं, अगर स्टोरी पे आधारित क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वो पास्ट टेंस में होता है, अगर कोई इवेंट कोई आर्टिकल पूछा जाता है तो वो हमेशा किस टेंस में होगा, वो हमेशा प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर किसी भी टेंस में हो सकता है घटना के अनुसार। तो ये जो आपके सामने क्वेश्चन है ये एक स्टोरी बेस्ड है, तो ये पास्ट टेंस में होगा, तो ध्यान दीजिएगा, या तो V2 लगाना है नहीं तो V3 लगाना है, या ध्यान देखिए, ध्यान देके देखिएगा क्वेश्चन क्या पूछा गया। पहला देखिएगा, यहाँ पे 5 फिलअप आपको फिल करना है इस स्टोरी में, और यहाँ पे आपको 5 फिलअप यहाँ फिल करना है, ठीक है, तो स्टोरी को ध्यान से देखिएगा। पूछा गया कि जैक वेंट टू वर्क फॉर ए फार्मर एंड डैश, 96 का देखिएगा क्या होगा, फार्मर के लिए काम करने जाएगा तो पैसा कमाएगा जैक, तो 96 का क्या हो जाएगा, अर्न हो जाएगा, 96 का क्या हो जाएगा, अर्न हो जाएगा, ठीक है ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा, अर्न हो जाएगा, V2 हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अर्न मतलब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा 97 को देखिएगा, 97 में क्या पूछा गया, ठीक है, 97 में पूछा गया कि एट होम हिज मदर डैश हिम एंड टोल्ड हिम टू पुट हिज अर्निंग इन हिज पॉकेट द नेक्स्ट मंथ, मतलब अपने वो उसकी माँ सजेस्ट देगी, मतलब अपने पास मांग रही है, उसका जो भी कमाई होगा ना अगले मंथ से अपनी उसकी माँ मांग रही है, तो इसका मतलब क्या करेगी, वो डांटेगी उसको, ठीक है ना, फटकारेगी, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्कोल्ड हो जाएगा, ठीक है, स्कोल्डेड हो जाएगा, ठीक है ना, स्कोल्डेड यहाँ लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी जो है ना, स्कोल्डेड मतलब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, स्कोल्डेड। अब देखिएगा 98, मैंने बोला था पास्ट टेंस में होगा, तो इस चीज का ध्यान दीजिएगा, देखिएगा जहां भी V2 लिखा होगा वही आपका सही होगा, ऐसा 2-3 ऑप्शन में लिखा हुआ है। आगे देखिएगा 98 है, द नेक्स्ट डे ही वर्क फॉर काउ कीपर हु डैश हिम ए
जार ऑफ मिल्क, तो हु गेव होगा, मतलब गेव का लिखा ऑप्शन नंबर डी, तो 98 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे देखिएगा, 98 के बाद, 98 के बाद दोस्तों 99 देखिएगा, देखिएगा क्या लिखा हुआ है। 99 में आपसे पूछा गया कि यहाँ देखिएगा, नाउ द किंग हैड ए डाउटर हु नेवर लव, एक एक किंग की बेटी थी जो आज तक मतलब कभी हंसती ही नहीं थी। डैश जैक कैरिंग कैरिंग दी डंकी ऑन हिज शोल्डर, तो क्या हुआ ना कि जैक को देखी कि एक डंकी को, एक गधे को अपने कंधे पे जैक लेकर जा रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सींग होगा, मतलब राजा की बेटी उसको देखती है, तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सींग हो जाएगा, ठीक है ना। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सींग हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, देखती है। आगे देखिएगा 100 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 100, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 99 का भी मैंने बताया ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे देखिएगा, यहाँ पे आपको कुछ इंग्लिश समझ में आना चाहिए, क्योंकि बैंकिंग के एग्जाम में वो देखते हैं कि इंग्लिश आपको कितना समझ में आता है, ग्रामेटिकल आपको ज्यादा यूज करने को देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। हल्का फुल्का भी ग्रामर आता है तो भी आप बैंकिंग के एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। देखिएगा आगे क्या लिखा हुआ है, सी डैश लाफिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, तो बिगेन मतलब शुरुआत की, स्टार्ट नहीं होगा, स्टार्ट मतलब शुरू होता है, बट बिगेन मतलब शुरुआत से, मतलब पहली बार। तो यहाँ पे 100 का क्या हो जाएगा, 100 का क्या हो जाएगा, 100 का हो जाएगा, 100 का क्या हो जाएगा, बिगेन, बिगेन में कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है, देखिएगा ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। तो देख सकते हैं कि हमने पांचों क्वेश्चन बना लिया, अगर आपका वर्ड पावर अच्छा है तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, और जो मैंने बेसिक बता दिया उसके थ्रू आप बना सकते हैं इसको आसानी से। अब दोस्तों हम अगले टाइप के क्वेश्चन को देखते हैं, सिंगल फिलर ये क्वेश्चन है, और ये एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो ध्यान से देखिएगा। इसी तरह का एक डबल फिलर भी पूछा जाता है, बट अभी ज़्यादातर सिंगल फिलर ही पूछा जाता है प्रीलिम्स के एग्जाम में, कलर के प्रीलिम्स के एग्जाम में। तो चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है, देखिएगा ध्यान से। ऑल दिस एट द टाइम, ऑल दिस एट द टाइम सेम्ड मेयरली स्ट्रेंज टू पियरली। अब मेयरली का मतलब होता है ऑनली, पियरली का मतलब होता है पीला कपड़ा, पीला वस्त्र होता है। ही फेल्ट ही कुड नॉट, डैश इज सिग्निफिकेंस, मतलब सिग्निफिकेंट मतलब क्या होता है, वह उसके महत्व को नहीं समझ पाया, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, समझना होगा, जो खाली स्थान पे क्या होगा, समझना होगा। अब यहाँ वैसा कुछ तो लिखा नहीं है, तो देखिएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, ग्रेस पे हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर डी लिखा, ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर डी, पहले क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, पहले क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मतलब कि ग्रेप्स हो जाएगा, ग्रेप्स, ग्रेप्स पे का मतलब क्या होता है, समझना होता है, ठीक है। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को हम लोग हटाते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, अगले क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि हिस्ट्री बियर्स सेवरल इंस्टांस ऑफ हाउ एम्बिशन ऑफ ए इंडिविजुअल हैव रन कंट्री एंड अबाउट अनटोल्ड डैश टू द पीपुल। अनटोल्ड क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिएगा अनटोल्ड, ऑप्शन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर टू का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मतलब मिजरीज हो जाएगा, अनटोल्ड, MISERIES, मिजरीज मतलब क्या होता है, दुख होता है, अनटोल्ड दुख, उनके कहीं दुख को के बारे में, वहां के लोगों के अनकही दुख के बारे में इस सेंटेंस का मतलब हुआ। चलिए आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर दो बना लिया हमने, क्वेश्चन नंबर तीन को ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर तीन में क्या पूछा गया, ध्यान से देखिएगा आप लोग, क्वेश्चन नंबर तीन में क्या पूछा गया, देखिएगा। लेबर डैश इज नॉट जस्ट गुड फॉर दोज ऑन दी मूव बट इट ऑल्सो पॉजिटिव इफेक्ट ऑन दी इकोनॉमी। तो यहाँ पे बताना है लेबर, अगर लेबर मेहनत करेगा तो क्या होगा, इकोनॉमी क्या होगा, मूव करेगा। तो यहाँ देखिएगा ऑप्शन नंबर ए में क्या लिखा है, मोबिलिटी लिखा हुआ है, क्या लिखा है, मोबिलिटी, ऑप्शन नंबर ए में मोबिलिटी लिखा हुआ है। मोबिलिटी का मतलब क्या होता है, मूविंग होता है, इसका मतलब अगर देखेंगे तो मूविंग होता है, अगर वो मेहनत करेंगे तभी क्या होगा, देश की इकोनॉमी में कुछ योगदान होगा। तो ये पहला ऑप्शन हो जाएगा, मोबिलिटी हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिएगा, वर्क होगा, काम होगा, ठीक है, मोबिलिटी का मतलब नियमित रूप से वो काम करते रहते हैं। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर चार, क्वेश्चन नंबर चार में क्या लिखा हुआ है कि समटाइम्स इट इज नॉट ऑनली ए बुक, समटाइम्स इट इज नॉट ऑनली ए बुक बट दी बुक रीड विथ ए डैश, विथ एन डैश रिव्यू, तो विथ एन इनसाइटफुल रिव्यू होगा। यहाँ पे क्या होगा, इनसाइटफुल रिव्यू होगा, इनसाइटफुल का मतलब क्या होता है, व्यवहारिक होता है,
इनसाइटफुल का मतलब क्या होता है, व्यवहारिक होता है। तो अगर आप लोग को मीनिंग पता है या फिर आप लोग गेस भी कर सकते हैं इनसाइटफुल यहाँ पे होगा, ठीक है ना। तो इनसाइटफुल यहाँ पे होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर चार के बाद क्वेश्चन नंबर पांच देखिएगा। एंड डैश लिंक एग्जिस्ट बिटवीन डेमोक्रेसी एंड पब्लिक फ्रीडम। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इनफ्लेक्सिबल। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, देखिएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पे। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इनफ्लेक्सिबल नहीं है, इनएक्सट्रिकेबल। इसका मतलब क्या होता है, विकट होता है, मतलब मुश्किल होता है। तो यहाँ पे कोई तो वॉवल होना चाहिए क्योंकि एन लगा हुआ है, तो या तो बी ऑप्शन हो सकता था, नहीं तो डी हो सकता था, नहीं तो ई हो सकता था, नहीं तो सी हो सकता था, बट सी का मतलब क्या होता है, विकट होता है। तो यहाँ देखिएगा जो यहाँ क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि लिंक एग्जिस्ट बिटवीन डेमोक्रेसी और पब्लिक फ्रीडम, पब्लिक फ्रीडम और डेमोक्रेसी के बीच में लिंक एग्जिस्ट करना क्या हो जाएगा, मुश्किल होगा, विकट होगा, ठीक है, कठिन होगा, कठिन हो जाएगा इसका मतलब। तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अब दोस्तों देखिएगा अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेज। ये पैसेज जो है 5 से 8 नंबर का पूछा जाता है और इसको एग्जाम में हमेशा अंतिम में बनाया जाता है, लास्ट में आपको पैसेज बनाना होता है, ठीक है ना। तो कोशिश कीजिएगा कि टाइम बचाइएगा और इस पैसेज को लास्ट में बनाइएगा और 5 मिनट टाइम रख लीजिएगा पैसेज को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। 5 मिनट से ज्यादा बिल्कुल भी आपको नहीं देना है क्योंकि यहाँ से कलर की एग्जाम में 5 नंबर फिक्स होते हैं। पैसेज कोशिश कीजिए कि बिना पढ़े भी आंसर आपका निकल जाएगा, ठीक है। जैसे ये जो पैसेज आप देख रहे हैं कि वन डे ऑल द एम्प्लॉई रीच द ऑफिस एंड दे सॉ ए बिग एडवाइस ऑन द डोर ऑन विच इट वॉज रिटन यस्टरडे द पर्सन हु हैज बीन हैंडलिंग योर ग्रोथ इन दिस कंपनी पास्ड अवे, वी इन्वाइटेड टू ज्वाइन। देखिएगा ये जो पैसेज है ये एक आर्टिकल टाइप का, इससे आपको कुछ सीख मिलेगा, मतलब कुछ अच्छा पैसेज है ये। तो इसमें आपको क्या देखना है, इसमें आपको कोशिश करना है कि बिना पढ़े भी आप कुछ क्वेश्चन के आंसर दे सकते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन देखिए, ठीक है, मैं आपको पैसेज दिखा देता हूँ, आप लोग इसको अच्छे से पढ़ के भी आंसर दे सकते हैं। देख सकते हैं ये दूसरा पैराग्राफ है और ये तीसरा पैराग्राफ है, ठीक है। तो 3 पैराग्राफ यहाँ दिए हुए हैं, आप इन तीनों का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और अच्छे से इन पैसेज को देख लीजिएगा, ठीक है। मैं एक पेज में नहीं रख सकता था क्योंकि एक पेज में रखता तो पूरा बोर्ड ही आपका फिल हो जाता, कुछ लिखने का स्पेस ही नहीं बचता। तो पहला क्वेश्चन देखिएगा, पहला क्वेश्चन में पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अकॉर्डिंग टू पैसेज के हिसाब से कौन सा ट्रू है। तो ऑप्शन नंबर डी देखिएगा, ऑप्शन नंबर डी में क्या लिखा है, ओनली ए पर्सन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज ऑन सक्सेस। तो ये सही बात है कि केवल एक आदमी जो होगा ना अपने सक्सेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर वो अच्छा काम करता है तो सक्सेस हो जाएगा, अगर वो सही से काम नहीं करता है तो अनसक्सेसफुल होगा। तो ऑप्शन नंबर डी, ये बिना पढ़े भी आप बता सकते थे, पैसेज को पढ़ने की कोई जरूरत नहीं थी। आगे देखिएगा, व्हाट कैन वी लर्न फ्रॉम दिस पैसेज, इस पैसेज से आप क्या सीखते हैं। तो इस पैसेज से आप क्या सीखते हैं, ऑप्शन नंबर ई देखिएगा, मतलब क्वेश्चन नंबर टू का ई हो जाएगा। द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप यू कैन हैव इज वन यू हैव विथ योर सेल्फ, मतलब आपका और आपके बीच में ही जो इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप होता है। तो ये भी बात सही है ना, तो ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर टू का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। चलिए आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर तीन में देखिएगा, व्हाट वॉज इन साइड दी कॉफिन, कॉफिन के इनसाइड में क्या है। तो कॉफिन के इनसाइड में क्या हो जाएगा, देयर वॉज ए मिरर इन साइड द कॉफिन, देयर वॉज द मिरर इन साइड द कॉफिन हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, देयर वॉज ए मिरर इन साइड द कॉफिन हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ देखिएगा, व्हाट वॉज द रीजन ऑफ द एम्प्लॉय एक्साइटमेंट, एम्प्लॉय के एक्साइटमेंट का रीजन क्या है। तो पैसेज को इसमें भी आपको पढ़ना होगा कि एक्साइटमेंट का सही रीजन क्या है। तो इसका सही आंसर मैं बता देता हूँ, क्वेश्चन नंबर चार का, क्वेश्चन नंबर चार का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। अब देखिएगा ऑप्शन नंबर ई में क्या लिखा हुआ, दे वेयर क्यूरियस टू नो द आइडेंटिफाई ऑफ द मैन हु हिंडर्ड द ग्रोथ ऑफ हिज कॉलेजेस, ठीक है, वो जानना चाहते थे। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन, Why everyone was speechless and shocked? क्यों हैरान रह गए सब लोग। तो इस क्वेश्चन का आंसर देखिएगा ऑप्शन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर पांच का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर पांच का सही आंसर। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर पांच का सही आंसर आ गया ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में लिखा क्या गया है कि एज दे फाउंड ए मिरर इनसाइड द कॉफिन। तो ये पैसेज को जब आप पढ़िएगा तो आपको खुद ही आइडिया मिल जाएगा। और ये पैसेज मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा हार्ड है, आप एक इससे भी छोटा पैसेज देखने को मिलेगा जो कि आप आसानी से बना सकते हैं। बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि पैसेज को अंतिम में बनाइएगा।
चलिए और भी कुछ क्वेश्चन देखते हैं हम लोग दोस्तों, पैसेज पे आधारित और भी कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, सिमिलर और अपोजिट मीनिंग भी पूछे जाते हैं। तो ध्यान से देखिएगा सिमिलर और अपोजिट मीनिंग को। यहाँ पूछा गया कि थ्रिल्ड का मतलब क्या हो जाएगा, तो थ्रिल्ड का मतलब क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा डिलाइट। डिलाइट हो जाएगा थ्रिल्ड का मतलब। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर हो जाएगा डिलाइट। डिलाइट कौन सा ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में। तो थ्रिल्ड का मीनिंग क्या हो जाएगा, डिलाइट। क्यों हो जाएगा, थ्रिल्ड मतलब क्या होता है, रोमांचित होता है। डिलाइट मतलब क्या होता है, खुशी होता है, आनंद होता है, ठीक है। इसलिए आगे देखिएगा, रोमांचित होंगे तो आप खुश भी होंगे। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन, इन्फ्लुएंस। इन्फ्लुएंस मतलब क्या होता है, प्रभाव होता है। इन्फ्लुएंस मतलब क्या होता है, प्रभाव होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डोमिनियंस, डोमिनेशन। डोमिनेशन हो जाएगा मतलब शासन हो जाएगा। अगर आपका प्रभाव होगा तो आप शासन भी करेंगे, ठीक है ना। मोदी का जैसे प्रभाव है, प्रधानमंत्री मोदी का, तो वो शासन भी करते हैं, तो वैसे ही होता है। इन्फ्लुएंस मतलब क्या होता है, उनका इन्फ्लुएंस है ना, इसलिए वो शासन कर रहे हैं, मतलब क्या कर रहे हैं, डोमिनेशन कर रहे हैं, ठीक है। आगे देखिएगा, रिवोल्यूशनाइज्ड, तो इसका मतलब क्या होता है, कुछ चेंज करना। तो इसका इसमें क्या हो जाएगा, अपराइजिंग। अपराइजिंग मतलब क्या होता है, कुछ हट के करना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 8 का, अपराइजिंग हो जाएगा। अपराइजिंग हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अपराइजिंग। तो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे दोस्तों इंग्लिश में, सभी को हमने अच्छे से देख लिया। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को प्लीज लाइक करके, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिएगा, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। आशा करता हूँ कि आज का दिन आप लोग काफी अच्छा रहे। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। थैंक यू।